नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों एक अभी बड़ी अपडेट आई है जो हम चाहते हैं कि आपको दे दें। अच्छी खबर है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपका उसका रिएक्शन कैसा होगा। आप जब उस खबर को सुनेंगे तो आप अपने रिएक्शन को नीचे शब्दों में बदलते हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक कम होने की वजह से ये वीडियो अन्य साथियों तक नहीं पहुंच पाती है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने अपनी वीडियो में सुबह आपको बताया था कि उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उसमें से क्षमताओं को लेकर जो भी बातें हुई आधे घंटा, वैसे तो ये बैठक सभी के लिए थी, यानी कि बेसिक माध्यमिक और शिक्षा के लिए, लेकिन शिक्षा मित्रों को लेकर जो बातें हुई उसमें संगठन के पदाधिकारियों ने सब कुछ बता दिया है क्या क्या बातें हुई हैं। मानदेय बढ़ोतरी की बात चल रही है और जल्द ही मानदेय बढ़ोतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री तक प्रस्ताव जाएगा और उस पर मोहर लगेगी। 12 महीने मानदेय की बात चल रही है और साथ में ये भी बात चल रहा है कि जो जैसे शिक्षकों का डीए बढ़ता है तो सैलरी बढ़ती है, ऐसे ही महंगाई को देखते हुए शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़े। बहुत ही अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या ये वास्तविकता में सब शिक्षा मित्रों के सामने आ पाएंगी या ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो हम आपको एक अपडेट अब देने जा रहे हैं वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों एक ही संगठन की बातें हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की, जिन्होंने ये अपडेट दी कि ये कमेटी की जो बैठक है वो शिक्षा मित्रों के लखनऊ के इको गार्डन के धरने की जो है प्रतिक्रिया है। सरकार ने इसलिए ये जो है बैठक की है ताकि वो शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा कर सके और संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को सहर्ष स्वीकार भी कर रहे हैं और विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात जल्दी होगी। लेकिन इसी संगठन के कम 15 जिले के लगभग जिला अध्यक्ष अपनी आज एक बैठक करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ की, लेकिन शाखा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लेकिन बात अभी कर रहे हैं केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शाखा की। यानी ये बैठक जो हुई है मेरठ में हुई है। मेरठ में इन 15 जिले के जिलाध्यक्ष बुलाए गए, वहाँ एक सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव तय किया गया कि यदि सरकार ने 30 सितंबर तक शिक्षा मित्रों की मांगों को पूरा करते हुए कोई शासनादेश जारी नहीं किया तो 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती को निदेशालय पर एक आमरण अनशन का धरना प्रदर्शन होगा। आमरण अनशन का होगा तो जाहिर सी बात है आप इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण रूप से अहिंसात्मक धरना होगा, अहिंसात्मक रूप से ये आंदोलन किया जाएगा और इसमें बस आपको जो हमें बैठना है अनशन पर बैठना है और निदेशालय पर तब तक बैठना है जब तक उसका कोई आदेश जारी ना हो। तो शिक्षा मित्रों के एक ही संगठन के कुछ जिलाध्यक्षों ने ये निर्णय लिया है और इसमें जो है वैसे तो अध्यक्षता सतीश बालिया जी ने की और धर्मेंद्र पांडे जी हैं उन्होंने भी की है। तो इनके नेतृत्व में कह सकते हैं या कह लीजिए कि सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है कि 2 अक्टूबर को लखनऊ के निदेशालय पर एक आमरण अनशन किया जाएगा गांधी जयंती पर। गांधी जयंती को आप जानते हैं एक राष्ट्रीय पर्व है और उस दिन आमरण अनशन पर बैठना निश्चित तौर पर एक मीडिया में हाईलाइट होने वाला मुद्दा है। जब आप ऐसा करेंगे तो शायद मीडिया इस बात का विशेष जोर देगी कि शिक्षा मित्र आंदोलन की जगह अब आमरण अनशन पर बैठा है और वो भी अहिंसात्मक रूप से। तो क्या इससे शिक्षा मित्रों की मांगें जल्द पूरी होंगी और क्या संगठन के इन जिलाध्यक्षों का ये निर्णय लेना सही है, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। क्या पूरे संगठन को इनका समर्थन नहीं करना चाहिए, ये अभी इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि ये सही है या गलत है, लेकिन शायद इन्होंने जो भी कदम उठाया है वो कई शिक्षा मित्रों की निगाहों में सही होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं, अभी इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं कहेंगे कि ये सही है या गलत है, लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि शायद ज़्यादातर शिक्षा मित्रों की राय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ होगी। वो चाहते होंगे कि अब लखनऊ के निदेशालय पर धरना प्रदर्शन हो, वो भी अहिंसात्मक रूप से शांतिप्रिय और अनशन हो ताकि सरकार जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करे। अगर ऐसा होता है शिक्षा मित्र के संगठन के ये 15 जिलाध्यक्ष अगर मिलकर ऐसा कार्य करते हैं तो क्या इसका समर्थन पूरा संगठन करेगा, संपूर्ण जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है क्या वो इसका समर्थन करेगा या उनके ही निर्देश पर ये हो रहा है या ये अपना जो है अलग से ये कार्यक्रम मना रहे हैं, उसके संबंध में
हम और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, कोशिश करेंगे अपने जिला अलीगढ़ के ही जिला अध्यक्ष जी से बात करने की, उनसे जानकारी लेने की, क्योंकि वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, तो उनसे भी हम बात करेंगे। चौधरी ऋषिपाल सिंह जी हैं जो जिला अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष हैं, उन वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, तो उनसे सारी विस्तृत जानकारी लेंगे। अभी काफ़ी रात हो चुकी है तो अभी इसलिए कॉल करना सही नहीं है, उनसे जल्द से जल्द मुलाकात करके आपको सारी अपडेट देंगे। और बस हम चाहेंगे आपका समर्थन, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इनके साथ हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।